एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्टे का होने वाला है। और स्टे का कहाँ से होने वाला है? बैम्बोलिम से होने वाला है। यहाँ पे जो जहाँ पे हमने स्टे किया है, ये 3 BHK विला है विद प्राइवेट स्विमिंग पूल। तो ये वैसे तो मेरा ड्रीम प्लेस है रुकने के लिए, क्योंकि ये सोसाइटी मैं बहुत पहले से जानती हूँ और यहाँ पे एक बार तो मैं ज़रूर रुकना चाहती थी, क्योंकि ये जो मतलब बिल्डिंग है, जो विला है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीक स्टाइल है। ये मुझे बहुत पसंद था बहुत पहले से, और फाइनली मुझे मौका मिल ही गया इधर रुकने का। और इसकी डिटेल सारी कि कहाँ से बुक कर सकते हो, आज का प्राइस क्या है, जो भी वेबसाइट है उसका लिंक, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, सारा कुछ मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो के एंड में मैं लिख के भी दे दूँगी स्क्रीन पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और नंबर्स वगैरह सारा कुछ की पर्सनल नंबर भी मैं दे दूँगी कि किधर से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कहाँ से बुक कर सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और आपको भी विला पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना मेरे को, और अगर कभी लाइफ में आप इधर रुके हो तो भी मेरे को बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलो वीडियो शुरू करते। तो ये मैं ना इसके एंट्रेंस पे खड़ी हूँ और अंदर करते हैं एंटर। और जैसा कि मैंने बोला था ना, ये ड्रीम जगह है, तो आप भी देखोगे तो सच में मानोगे कि ये ड्रीम वाली जगह है। यहाँ से अंदर चलते हैं। और पार्किंग की अगर बात करें तो प्राइवेट पार्किंग है इसकी उस तरफ, उस तरफ हमारी गाड़ी खड़ी है अंदर की तरफ, तो वहाँ इसकी प्राइवेट पार्किंग है। और विला नंबर 1 है ये। अंदर चलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जब आप अंदर आते हो तो इस तरफ आपको मिलता है राइट हैंड पे किचन, जिसका दो तरफ गेट खुलता है, एक हॉल की तरफ इस तरफ से और एक गैलरी की तरफ। ये किचन में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे बेसिक सारे यूटेंसिल्स आपको मिलेंगे, फ्रिज मिलेगा, और इंडक्शन के साथ आपको ये मिलता है जो किचन है, प्लस पानी के लिए छोटा इन्होंने एक्वा श्योर जो छोटा वाला आता है वो लगाया हुआ है, तो मतलब आपको पानी वानी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से निकल चलते हैं दूसरे गेट की तरफ। और यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल दी हुई है, वो प्रेस को इग्नोर करना क्योंकि प्रेस हम लोग लाए थे साथ में। और जो अच्छी चीज़ मैंने नोटिस करी कि उन्होंने जगह जगह पे ये सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं। तो ये हो गया डाइनिंग टेबल। इधर आपको सोफ़ा मिल जाता है और प्लस ये आपको टीवी के साथ मिलता है। अब यहाँ से मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाती हूँ। फर्स्ट बेडरूम इसका जो है एसी के साथ है, इवन सारे बेडरूम एसी के साथ हैं, सबका पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। पर जैसे ये है, इसमें सिर्फ आपको विंडो दी है ये, और इधर से आपको पूल भी दिख जाता है। ये जो है इसका ये प्राइवेट पूल है। और जो ये रूम मिलता है फर्स्ट वाला, ये आपको कवर विद अटैच वॉशरूम, मतलब सारे ही रूम्स में इवन अटैच वॉशरूम इसको इसमें आपको मिलेगा, और एक एक्स्ट्रा वॉशरूम भी मिल जाता है कॉमन वाला। तो टोटल मिला के इसमें 4 वॉशरूम हैं। और अंदर से भी एक एंट्रेंस है इसका सोसाइटी के अंदर से, जहाँ से आप गाड़ी पार करके इस तरफ से भी आ सकते हो। तो ये है एंट्रेंस इसका, वो वाला जो मैंने बताया था। और इस तरफ अपनी कार पार्क है। और ये इसकी बाहर से बालकनी है, ऐसा कुछ इसका बाहर से लुक है। और इसमें पूल भी 2 हैं, एक कॉमन पूल है, एक प्राइवेट पूल है। तो ये इसका प्राइवेट पूल है और वो नीचे कॉमन पूल है। और ये सोसाइटी है पूरी। हाँ, मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगी देखने में। आप भी देखो इसका आर्किटेक्चर। और अब हम चलते हैं अपस्टेयर्स, जहाँ पे 2 बेडरूम है, और उस इस तरफ एक ना कॉमन वॉशरूम है जो मैंने बताया था आपको स्टेयर्स के साथ। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं। तो अभी ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और इस तरफ इसकी एक बालकनी है, ये कॉमन बालकनी है। और यहाँ से व्यू देखो, वहाँ पे सामने मुझे नहीं पता, आप देख पा रहे हो नहीं, बहुत खूबसूरत सा चर्च है, मुझे नहीं पता कौन सा है, पूछूंगी यहाँ पे लोकल से कि कौन सा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। अभी चलते हैं अंदर। और अंदर जो रूम्स हैं इस तरफ एक रूम है और इस तरफ एक रूम है। ये कॉमन एरिया है, लाइक कॉमन ओपन बालकनी कह सकते हो। और इसके बाहर आपको मिलती है बालकनी, वो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये कॉमन बालकनी है दोनों रूम्स की, ये रूम की भी और इस वाले रूम की भी। और इस तरफ नीचे है पूल, यहाँ से दिखा देती हूँ मैं आपको।
जो प्राइवेट वाला पूल है वो नीचे, और वो कॉमन पूल। तो चलो पहले रूम्स दिखाती हूँ, और ये एक रूम है, अंदर से दिखाती हूँ आपको। रूम ऑलमोस्ट सेम है सारे, पर इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये बालकनी की तरफ खुलता है, मतलब इसका ये पूरा डोर खुलता है बालकनी की तरफ, और इसका व्यू देखो बाहर की तरफ आप, क्या खूबसूरत है। यहाँ से देखो वहाँ पे कहीं पे वो जुआरी ब्रिज दिखता है, और सामने का व्यू देखो, और आगे रिवर, मतलब बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये है थर्ड रूम। थर्ड रूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, आइडियली मास्टर बेडरूम यही है, पर ये वाले मास्टर ने हथिया लिया ये तो ये देखो इसकी एक प्राइवेट बालकनी भी है बहुत बड़ी। ये बहुत ही खूबसूरत सी। तो इस तरफ इसका वॉशरूम है, और ये थोड़ा सा ऐसा बड़ा स्टोर टाइप है, जैसे मतलब बिकॉज ये मास्टर बेडरूम है तो इसका वॉशरूम वगैरह सब बहुत बड़ा है नॉर्मल से, बाकियों के वॉशरूम इससे छोटे हैं। और ये जो विला है ये बेजल स्टेज के अंदर आता है, उसका वेबसाइट, उसके नंबर्स, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी, सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, और वीडियो के बाद में भी मैं लिख दूंगी, तो वो भी आप होल्ड करके पॉज करके चेक कर सकते हो। और अगर खाने की बात करूँ तो यहाँ आसपास में रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत अच्छा लोकल क्यूजीन सर्व करते हैं, और GMC भी यहाँ पास में ही है, वहाँ पे भी आपको खाने के बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, और स्विगी से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, वो भी इधर सर्विस देता है। और बीचेस की अगर मैं बात करूँ तो बेम्बोलिम और सिरोडा दोनों बीचेस यहाँ पास में हैं, पर बीचेस से ज़्यादा मुझे वो चर्च पे जाने की पड़ी है जल्दी से, मैं वो चर्च देख के आना चाहती हूँ, मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ की जो लोकेशन है, गूगल मैप लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो उसको ट्रैक करके भी आप आ सकते हो। और बाकी जैसे आप बुकिंग करते हो तो वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराते ही हैं, जी मैप लिंक, ये सारी चीज़ें। तो चलो ये थी सारी वीडियो, और मुझे तो ये जगह बहुत 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 पसंद आई। अभी हम जा रहे हैं सीधे पूल में, और अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आ भी जाना इधर एक बार बुक करके। और आज का जो प्राइस था वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।